नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो फिलहाल आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने वाला है। तो अगर आप संस्कृत में समाचार सुनना चाहते हैं, न्यूज सुनना चाहते हैं, तो बहुत जल्द आपको ये चीजें सुनने को मिल सकती हैं। क्योंकि अब सुनने की बात की है तो जाहिर सी बात है कि सुनने के लिए मैंने यहां पर देखने की बात नहीं की है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वाकई में हम किस संगठन की बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी ही आपकी इस प्रश्न से रिलेटेड है। आकाशवाणी, वॉइस ऑफ स्काई, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो ने, इसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो ने अभी हाल ही में अपना संस्कृत में पहला समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट के समाचार पत्रिका का कार्यक्रम ये प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषय भी शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति, प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कई खंड शामिल होंगे। सूक्ति खंड के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के एक उद्धरण की व्याख्या की जाएगी। वहीं प्रसंग खंड के तहत कला, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद आदि से एक कहानी सुनाई जाएगी। तो अच्छी बात है, देश मतलब हमारे देश की जो पहचान है संस्कृत भाषा, अब उसको आगे लाने के लिए, उसको थोड़ा सा प्रचारित करने के लिए संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है। आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो की एक प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी, जबकि ऐसा माना जाता है कि 1923 में भारत में सर्वप्रथम मुंबई से पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। इसके बाद 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। कालांतर में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो सेवा कर दिया गया। फिर उसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों को ही, ऑल इंडिया रेडियो को प्रसार भारती के अंतर्गत डाल दिया गया। वर्तमान समय में प्रसार भारती के हेड हैं या चेयरपर्सन जो है वो है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, ये प्रसार भारती के हेड है। संस्कृत न्यूज के अलावा एक और संस्कृत समाचार पत्र है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके संपादक के वी संपत कुमार को पद्मश्री से उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुधर्मा, सुधर्मा ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत का इकलौता पत्र है, साप्ताहिक पत्र है, सॉरी दैनिक समाचार पत्र है, जो रोज निकलता है या मैसूर से प्रकाशित होता है और इसके प्रकाशन 1970 में आरंभ हुआ था। इसका वितरण मुख्यतः डाक द्वारा होता है। इस अखबार की अभी 3000 प्रतियां निकलती हैं और इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹400 है। रोजाना बिकने वाली कॉपियों की संख्या लगभग 3500 है और इसकी जो संपादक है वो है के वी संपत कुमार, इनको अभी हाल ही में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था। मुख्यालय है मैसूर, कर्नाटक से। तो सुधर्मा भारत में छपने वाला एकमात्र हिंदी दैनिक संस्कृत समाचार पत्र है। अगली जानकारी की तरफ चले, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, ये क्या है? आप सभी को पता है कि चाइना के 59 ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिए। अब कुछ भारतीय ऐप ऐसे हैं जो विश्व लेवल पर या आपके वर्ल्ड लेवल पर अपनाए जा सकते हैं। उन ऐप की खोज करने के लिए और ऐसे ऐप डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इसके जरिए जो भी भारतीय ऐप होंगे उनको डिजिटल साक्षरता दी जाएगी, साथ साथ उनको मदद की जाएगी ताकि वो भारत का नाम विश्व पटल पर रेखांकित कर सके, उसे विश्व पटल पर पहचान दिला सके, इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मामले में भी। तो हाल फिलहाल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इस चैलेंज का उद्देश्य ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करना है जो पहले से ही भारतीय नागरिकों द्वारा उपयोग में लाई जा रहे हैं और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता है।
आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से भारत सरकार एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जहां भारतीय उद्यमियों, स्टार्टअप्स और तकनीक आधारित समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से 8 व्यापक श्रेणियों में शुरू किया गया है, जिसमें कार्यालय उत्पादकता और वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यवसाय, न्यूज और गेम्स शामिल है। तो ऐप इनोवेशन चैलेंज आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर शुरू किया गया है और ये अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पार्ट रहेगा। इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि वर्तमान समय में रविशंकर जी के पास है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, आपको सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में 1590 एकड़ में यह सोलर प्लांट है। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट है और तीनों इकाइयों में से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अगर देखा जाए तो उत्पादन के मामले में कुमथी सोलर प्लांट जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी तक माना जाता है, लेकिन अब एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात याद आती है, 2015 की बात आती है, जब पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने सूर्य पुत्र देशों का आह्वान किया था। जी हां, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, सूर्य पुत्र देश। सूर्य पुत्र देश उन्हें कहा जाता है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ऐसे में हम सूर्य की ऊर्जा का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए कर सकते हैं। इसके लिए वहां पर संगठन बनाने की बात आई। पहले तो बहुत कम देश सामने आए, लेकिन फिर धीरे धीरे आज की डेट में 121 देश जो हैं वो इसमें सदस्य बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का ही परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने उद्घोषण में की थी। इसका मुख्यालय ये एक अकेला ऐसा इंटरनेशनल संगठन है यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, ये गुरुग्राम में मिलेगा आपको। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। वर्तमान समय में उपेंद्र त्रिपाठी इसके नेता है। वैधानिक स्थिति की बात करें तो एक्टिव है और पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान इसको घोषित किया था। संस्थापक सदस्यों में नरेंद्र मोदी और फ्रांकोइस ओलांदे, उस समय ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और हाल फिलहाल फ्रांकोइस ओलांदे और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर इस संगठन का स्थापना की थी। अगली जानकारी की तरफ चले तो वर्ल्ड बैंक ने अपने एटलस मेथड का अध्ययन करते हुए, एटलस मेथड क्या होता है, एटलस मेथड आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक पैमाना मानता है, और इस मेथड में वो जीएनआई का उपयोग करते हैं यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम का, सकल राष्ट्रीय आय का। इसमें वो ये देखते हैं कि किस देश की करेंसी जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट की जाएगी तो उसकी जीडीपी जो है वो कितनी हो जाएगी और जीएनआई कितनी हो जाएगी। इस तरीके से वो पिछले 3 साल का एवरेज निकालते हैं और इस मेथड के जरिए वो ये पता करते हैं कि कौन सा देश लोअर कैटेगरी में है यानी कि गरीब देश है, कौन सा देश उससे थोड़ा सा ऊपर है लोअर मिडिल में, या कौन सा देश मिडिल में है या फिर अपर मिडिल में चला जाता है। तो ये अभी आकलन किया गया और पता चला नेपाल जिसका स्तर गरीब देश का था उसका स्तर थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि नेपाल नहीं रहा अब गरीब देश, वो एक लोअर मिडिल देश बन गया है, निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी में रखा गया है। भारत की श्रेणी भी निम्न मध्यम वर्ग है। आय स्तर के आधार पर वर्ष 2020-21 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था उच्च श्रेणी में गति करके एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन गई है। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक विभिन्न देशों को 4 इनकम ग्रुप में विभाजित करता है, लोअर, लोअर मिडिल,
अपर मिडिल और हाई इनकम। पूरे विश्व विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। किसी देश का वर्गीकरण विश्व बैंक के द्वारा एटलस मेथड का इस्तेमाल करके किया जाता है। एटलस मेथड में विश्व बैंक GNI का प्रयोग करते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम को पैरामीटर मानते हैं। वर्ग 2020 के वर्गीकरण के अनुसार भारत एक लोअर मिडिल इनकम वाला देश बना हुआ है, जबकि श्रीलंका अपर मिडिल इनकम वाले देश से अब एक लोअर मिडिल इनकम वाले देश में तब्दील हो गया है। तो इस तरीके से नेपाल अब नहीं रहा गरीब देश। घोषणा किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के हेड है वर्तमान समय में डेविड मालपास, जबकि मुख्य वित्तीय अधिकारी SBI की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी अंशुला कांत है। वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह 2020 फॉर्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। फिरारी के रेसर चार्ल्स लेक्लेयर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। कर्नाटक ले चलते हैं आपको। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना निकारा सम्मान योजना शुरू करने की योजना की है, घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। निकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावर लूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपए का भुगतान करने की योजना की है। तो निकम सम्मान योजना, निकर सम्मान योजना, निकरा सम्मान योजना, ये किस तरह से है? कर्नाटक सरकार से है। कर्नाटक नाम आ जाता है तो राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक क्यों चर्चा में रहा? सबसे पहली जानकारी तो यही है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर किया जाएगा, ताकि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको रूस ना जाना पड़े और वो यहीं पर ट्रेनिंग पा सके कर्नाटक के चिल्लाकरे में। ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में एक इंटरसेप्टर बोट C-448 को मैंगलोर कर्नाटक में कमीशन किया है। 107वीं विज्ञान कांग्रेस यह अभी हाल ही में बैंगलोर में हुई थी और 108वीं पुणे में होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ये इसकी थीम थी। नोवा टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बेंगलोर जो है इसके पास विश्व का सबसे बुरा ट्रैफिक है, यानी कि सबसे व्यस्ततम ट्रैफिक में से बेंगलोर है और इसमें टॉप 10 लिस्ट में, यानी कि विश्व के सबसे खराब ट्रैफिक शहरों की बात करें तो 4 इंडियन सिटीज में शामिल थे, जबकि बेंगलोर सबसे खराब ट्रैफिक था। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर साक्ष सिंह सेन, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर साक्ष सिंह सेन और उनकी टीम को इस बार मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया। मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड उन केमिस्ट्री या रसायन विशेषज्ञ को दिया जाता है जो कुछ नया इनोवेशन करते हैं और साथ साथ उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मतलब ये नए रसायन विज्ञानी को ही दिया जाता है। किरण मजूमदार शाह कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, चौथी भारतीय रही जिन्होंने हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन सिविलियन ऑनर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया, ये चौथी भारतीय है। सचिन तेंदुलकर को भी यह सम्मान मिल चुका है। किरण मजूमदार शाह जो है ये आपकी बायोकॉन की MD है। कर्नाटक CM ने अभी हाल ही में जन सेवक स्कीम लॉन्च की थी, ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं या सरकारी सुविधाएं हैं, वो लोगों को उनके घर तक पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए जन सेवक अभियान जो है ये आपका कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था और मुख्यमंत्री इसमें रहे थे बुक्का नाकेरे सिद्धा लिंगप्पा येदुरप्पा। मैंगलोर की एडलिन कैस्टेलिनो कहां की है? मैंगलोर कर्नाटक में है। वहां की एडलिन कैस्टेलिनो ने इस बार लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2020 टाइटल जीता है। इसका मतलब यह है कि मिस यूनिवर्स के पेटेंट में, यानी कि मिस यूनिवर्स के प्रतियोगिता में ये भारत की तरफ से भाग लेंगी। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में नमस्ते ओवर हैंडशेक नाम की स्कीम शुरू की थी और ये पूरे विश्व प्रसिद्ध हुई कि लोग हैंडशेक की जगह नमस्ते कर रहे थे कोरोना वायरस के दौरान। कैपिटल सिटी बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा, नाम पूरा इनका बड़ा प्यारा था, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बुकानाकारी सिद्धा लिंगप्पा येदुरप्पा
चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा, गवर्नर है वधुभाई वाला, स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट ट्री चंदन सैंडलवुड, स्टेट फ्लावर है निम्फिया नीलम्बो जिसे आप कमल भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये जानकारी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक आई है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर एक पुस्तक लिखी है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत को प्रतिस्पर्धी औद्योगिक देश बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पुस्तक राजनयिक व्यवस्था, सरकारों, न्यायपालिका और औद्योगिक नेताओं के साथ विश्वास निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। यह पुस्तक विनिर्माण में राष्ट्रीय स्वीकृति को लाने पर केंद्रित है जो प्रतिस्पर्धात्मक को पहली प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इतना ही याद रखना पर्याप्त रहेगा कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने लिखी है। अगली जानकारी में चलते हैं। तो एमपी टूरिज्म ने अभी हाल ही में यानी कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने एक बढ़िया सा एक अभियान शुरू किया है, बड़ा अच्छा नाम रखा है इंतजार आपका। वाकई में ये काफी अट्रैक्टिव फीचर है। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इंतजार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों का खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों के साथ साथ पर्यटकों के समय और सुविधा के अनुसार विभिन्न टूर पैकेज भी लॉन्च किए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर जो अभी हाल हाल वहां घटना घटी। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्क्रीनिंग अभियान ताकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको जाना जा सके, लगभग 11,000 लोगों की टीम लगाई गई इस पर किल कोरोना कैंपेन शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश जो राज्य है, ये कंट्री में अगर देखा जाए तो देश में वीक प्रोक्योरमेंट यानी कि गेहूं का समर्थन मूल्य देने के मामले में, गेहूं को समर्थन मूल्य खरीदने के मामले में, समर्थन मूल्य पर खरीदने के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक रहा, सबसे टॉप पर रहा, सबसे ज्यादा गेहूं खरीदा। इंडिया का पहला ई कचड़ा क्लीनिक यानी ई वेस्ट क्लीनिक जो है ये भोपाल में खोला गया था। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपने स्कूलों में यानी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया था, यानी हर स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। रीडिंग प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड मैंडेटरी इन स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के हिसाब से अभी देखा जाए तो इंदौर जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर की सिटी वाले कैटेगरी में टॉप पर आया था, यानी सबसे स्वच्छ सिटी नजर आया था, जबकि सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल थी। सिंगर सुमन कल्याणपुर और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में एमपी का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था 2017 और 2018 के लिए। 2017 दिया गया था सुमन कल्याणपुर को, 2018 दिया गया कुलदीप सिंह को। निमाड चिली फेस्टिवल का पहला फेस्टिवल, मध्य प्रदेश की चिली विश्वभर में मशहूर है और उसको एज ए ब्रांड पेश करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसका पहला एडिशन आपको चिली चाचा नाम से उन्होंने मस्कट रिलीज किया था और इसके जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई थी। एमपी सीएम ने अभी हाल ही में नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो है ये भोपाल में इनॉग्रेट की थी, यानी कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन। एमपी जो है ये जो लोग भी PMJAY का प्रयोग कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का प्रयोग कर रहे हैं उसमें देखा जाए तो एमपी में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग PMJAY का जो समर्थन कर रहे हैं वो एमपी में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इसके अलावा तीन लिंगा नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है ये एमपी में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और इंदौर जो है वो पहला सिटी रहा जिसने अपने पूरे सिटी को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया था लॉकडाउन के दौरान। कैपिटल क्या है, भोपाल है। स्टेट एनिमल बारासिंगा है, स्टेट ट्री बनियान ट्री है। स्टेट फ्रूट की बात करें तो मैंगो। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है लालजी टंडन। लोकसभा है में 29 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में आपको 11 सीटें मिलेंगी। जनसंख्या की दृष्टि से ये राज्य देश का पांचवा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है अर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। 2018 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कहा था पर्सनल कारणों से, जबकि इनको ये इनका 9 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था।
तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर अर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक की पुस्तक लिखी है और इसमें उन्होंने कई सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिसके जरिए जो बैंकों का एनपीए है उसको रोका जा सके। तो पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, एनपीए कुछ पूछ रहे थे सर एनपीए क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपने लोन लिया और लोन की किस्तें नहीं चुका रहे हैं तो बैंक का पैसा तो बर्बाद हो गया, उस तरह के अकाउंट्स को एनपीए कहा जाता है जिसमें बैंक को प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और आपने देखा होगा पीएमसी हो, चाहे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो या कई सारे कोऑपरेटिव बैंक हो, वो यस बैंक हो, वो सभी एनपीए का शिकार हुए। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। तो हमने यहां दो पुस्तकें देखी, एक हमने देखी कि गेटिंग कॉम्पिटिटिवनेस और एक हमने यहां पर देखी दूसरी पुस्तक ओवरड्राफ्ट द सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। तो धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने और बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं, पटेल ने पुस्तक विवरण में ऐसा उन्होंने कहा गया है। और पटेल ने 9R के बारे में कुछ बताया है और उसमें इस तरह से बताया किस तरीके से धन का प्रयोग किया जा सकता है और किस तरीके से उसको सही सेक्टर में अप्लाई किया जा सकता है। अर्जित पटेल से जुड़ी हुई कुछ महीने पहले एक न्यूज आई थी, महीने पहले क्या लगभग एक महीने पहले न्यूज थी कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो अर्जित पटेल है उनको अभी हाल ही में एनआईपीएफपी का चेयरमैन बनाया गया है। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर अर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट शेड ऑन फ्राइडे। तो ये न्यूज लगभग है आपकी जून की, पटेल जी जो अपना कार्यकाल शुरू करने वाले थे वो 22 जून को शुरू करने वाले थे और उन्होंने विजय लक्ष्मण केलकर का स्थान लिया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो आरबीआई के बाद अगर पॉलिसी निर्धारण की कोई बात की जाती है तो यहीं पर एनआईपीएफपी का नाम आता है। एनआईपीएफपी जो है ये आरबीआई के लिए भी पॉलिसी निर्धारण करती है, जिस देश के जितने भी वित्तीय संस्थान है उन सभी के लिए पॉलिसी यानी नीति निर्धारण का काम करती है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है कि कैसे काम करना चाहिए और किस तरीके से इसको आगे ले जाते हैं। तो हाल फिलहाल इसके आपके हेड बनाए गए हैं अर्जित पटेल। अगली जानकारी तो चले तो पूरी दुनिया में चॉकलेट सबको पसंद होती है, ऑलमोस्ट सभी खाते हैं, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया और ये वर्ल्ड चॉकलेट डे हमारे दुनिया में यानी हमारे जीवन में चॉकलेट के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। यह दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, फटाफट करते हैं। कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका शुरू कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो वो है ऑल इंडिया रेडियो। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से कितने व्यापक श्रेणियों में शुरू किया जाएगा? तो 8 व्यापक श्रेणियों में इसको शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्यप्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो वो होगा रीवा। आय स्तर के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था कौन से ग्रुप में चली गई है? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में। किसने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो वह है वाल्टेरी बोटास। किस राज्य के सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना निकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है कर्नाटक। किसने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? वो है आरसी भार्गव, मारुति सुजुकी के हेड। किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो वह है मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने इसको शुरू किया है। और किसने ओवरड्राफ्ट द सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज हो जाएगी? तो वह है अर्जित पटेल। अब बारी आज के क्विज की। कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नाम से संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू कर चुका है? तो वो है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से कितने व्यापक श्रेणियों में शुरू किया जाएगा? तो किसी भारतीय ऐप को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ये 8 श्रेणियों के ऐप को कैटेगराइज किया जाएगा और फिर उनको साक्षरता दी जाएगी, उनको मदद दी जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को और ज्यादा आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सौर ऊर्जा का उद्घाटन करेंगे। आय स्तर के आधार पर वर्ष 2020-21 के विश्व बैंक के देश वर्गीकरण के अनुसार नेपाल की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो लोअर मिडिल इनकम कम इकोनॉमी बन गई है, पहले से लोअर कैटेगरी में डाला गया था। किसने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में हुई रेड बुल
रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, तो उनका नाम है वाल्टेरी बोटास, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना निकारा सम्मान योजनाएं शुरू करने की बात की है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश ना कर्नाटक। किसने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है, तो वो है आरसी भार्गव, मारुति सुजुकी के हेड। किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है, तो यह है मध्य प्रदेश। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज हो जाएगी, तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर अरजित पटेल जी ने लिखी है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।